सोचा था आज कुछ ब्रेक ले लूं क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन खबर ही इतनी जबरदस्त थी आप तक बात रखनी बहुत जरूरी थी। आज बात करेंगे सीमा हैदर और लप्पू की, और लप्पू और सीमा हैदर ने जो कल लाइव में हंगामा किया उसको लेकर, क्योंकि गुलाम हैदर का जैसे ही वीजा मिलने की खबर सोशल मीडिया पे आई, जैसे ही गुलाम हैदर के भारत आने की खुशी सारी जो सीमा हैदर का विरोध कर रहे उन लोगों को मिली और सीमा हैदर के सपोर्टरों को पता चला कि गुलाम हैदर भारत आ रहा है, वैसे ही सीमा हैदर और लप्पू ने बताऊंगी कि क्या तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पे। और सुनाई में आ रहा, सुनाई में क्या ये पक्की खबर है कि सीमा हैदर और लप्पू दोनों ने देसी दारू पीकर और तमाशा कर दिया, और आप अफसोस करेंगे। मुझे आ रही है हंसी इसलिए आ रही क्योंकि मैं आज बहुत व्यस्त थी, और इस व्यस्तता के रहते आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन अचानक से लप्पू और सीमा भगोड़े की लाइव देखी। उस लाइव को देखकर पहले तो हंसते हंसते मैं लोटपोट हो गई, जिस लाइव को कम से कम 5,000 से 6,000 लोग देख रहे थे उसमें जो लप्पू की हरकत थी वो आपको सबको पता चल गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। लप्पू बिल्कुल पागल हो गया दारू पीकर, और सीमा हैदर भी गुलाम हैदर के आने की खबर से इतनी बुरी तरीके से बौखला गए, इतना डर गए वो अंदर तक कि वो लाइव आ गए। लाइव में उन्होंने गुलाम हैदर के खिलाफ वो जहर उगलना शुरू कर दिया जो मोबिन मलिक जी शुरू से कह रहे थे। लप्पू ने सबका विरोध किया इस बार, लप्पू ने खुलकर बोला, और वो खुलकर लप्पू खुद नहीं बोल रहा था, ये खास खबर मेरे अंदर की बात है। लप्पू ने दारू पी ली थी गुस्से में, डर में, फ्रस्ट्रेट होकर, साथ में भगोड़े ने भी दारू पी ली थी। आपने देखा होगा लाइव में किस तरीके की अश्लील हरकतें कर रहे थे भगोड़े, लप्पू से चिपक चिपक कर गुलाम हैदर के लिए जो बोल रही थी, साथ में कि जो किंजा ऑफिसर है उसके लिए लप्पू बोल रहा था, लप्पू की जिसकी आवाज नहीं निकलती वो लप्पू इस बार खुलकर बोले। दोस्तों मेरा तो हंसते हंसते इस बार पेट में दर्द हो गया, और मैं नहीं चाह रही थी आज कोई वीडियो बनाऊं क्योंकि मैं कल ही बनाने वाली थी, लेकिन ये वीडियो सुबह आएगा तो मैं मजबूर हो गई इस लाइव को देखकर कि इस पर भैया बात करनी चाहिए। मोबिन मलिक सर ने कहा था ना लास्ट में ये सारी सीमाएं पार करेगी, अभी उस जगह पे आ चुके हैं। गुलाम हैदर भारत आने ही वाला है, डेट नहीं बताऊंगी कब आ रहा है, लेकिन गुलाम हैदर भारत आ रहा है। वो खबर सुनते ही उन्होंने सारी हद पार कर दी, और साथ में गुलाम हैदर पर आरोप लगा दिया कि मेरे 4 बच्चों के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहा है। अरे लप्पू, और लप्पू का कहना था कि जिसके क्या 2 साल से बात नहीं कर रहा था, 2 महीने से बात नहीं कर रहा था, अचानक से मेरे बच्चे याद आ गए। अरे बेटा आज तेरी तो तगड़ी धुलाई हम भी करेंगे। जिसके पति बात नहीं करते हैं किसी वजह से, दूर होते हैं, क्या सबकी बीबियों को भगा लाएगा, सबके 4-4 बच्चों को किडनैप करके ले आएगा? बेटा लप्पू जवाब देना इस बात का। और इसका ये भी कहना है कुछ भारत के लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो हैदर को पाकिस्तानी को सपोर्ट करते। बेटा गया तू, कानूनी प्रक्रिया को तूने नहीं समझा ना, हवा में ही तीर फेंकता रहेगा, बहुत बड़ा तीर मारा है कोर्ट में, तो जवाब तुझे देना ही पड़ेगा। तू तो गया बेटा गया, तेरी कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म, क्योंकि मोबिन मलिक सर ने जो तीर फेंका है ना निशाने से वो सीधे तुम दोनों को लग चुका है। अब तुम बौखला चुके हो, दारू पी के तमाशे करने लगे हो। 2 तारीख को तो तुम्हारे चैनल की भी सुनवाई है, 1 तारीख को तुम्हारे जो नोटिस जारी था उसकी सुनवाई है, फिर 7 तारीख को जो तुमने एक और कांड किया था उसकी सुनवाई है, उसके बाद डेट मुझे सॉरी याद नहीं है और सुनवाई है, मतलब कोर्ट के चक्कर काटते 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 यूट्यूब भूल जाओ, यूट्यूब तो ऐसे भी भूल ही जाओगे क्योंकि अब तुम्हारा काम हो चुका है। इस तरीके से लप्पू बौखला चुका है, भगौड़ी बौखला चुकी है, और ये जो लाइव आके हरकतें कर रहे हैं, अभी इनको लग रहा है ना 4,000-5,000 लोग देख रहे, भैया व्यूज तो आ ही रहा है। लप्पू ने सीधा निशाना साध दिया भैया मोबिन मलिक सर पर, और लप्पू ने सीधा निशाना साध दिया गुलाम हैदर पर, भैया मेरे नाम से खा रहा है, यूट्यूब चैनल चला रहा है मेरे बच्चों के नाम से। हवा में बच्चे आ गए बेटा, गुलाम हैदर के बच्चे हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, पूरा उसका काम हो चुका है, आने दे धरती पे, उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि बच्चे किसके हैं, है ना, किसके भी तू बच्चे उठा लाएगा, तू खुद कितने साल का, 21-22 साल का है, कानूनी प्रक्रिया जानता है, तेरे जो भाई ने एपी सिंह ने तुझे पढ़ाया है ना, तुझे बहुत बुरा फंसा दिया, साथ में जो तू कहता है बच्चे मेरे हैं कानून में प्रक्रिया में दिखा देना। मैं छीमा से प्यार करता हूँ, लोगों को हजम नहीं हो रहा, दुनिया की सारी औरतें ना सबको भगा के
के ले आ तू सबको, जिसके पति बात नहीं करते, जिसके पति कमाने गए हैं, सबकी बीवी को भगाला, सबके बच्चों को भगाला, एक अनाथ आश्रम खोल और उनसे कमाओ। इसका कहना है कि मेरे बच्चों के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हो तो चलाओ, लेकिन मुझे तो मत कहो। अबे बेटा, तूने इतना महान काम कर दिया ना कि तेरे नाम से लोग खा रहे हैं, शर्म कर ले जरा। हंसी भी आ रही है, अब क्या कहूँ। दोस्तों, आज आपको अपडेट देना बहुत जरूरी था। इसका लाइव देखते देखते मेरी तो हालत खराब हो गई, हंसते हंसते आपको भी ये अपडेट देना जरूरी था। और ये बिल्कुल 100% पक्की खबर है कि जैसे गुलाम हैदर का इन्होंने लाइव देखा, गुलाम हैदर के चेहरे पर खुशी देखी, तो गुलाम हैदर को टारगेट करना शुरू कर दिया किंजिया ऑफिसर को लेके। भगोड़ी तुझे आज भी जलन हो गई कि गुलाम हैदर के साथ कोई औरत बैठी है। इसका कहना था कि पाकिस्तान में औरतों के बाल तक नहीं देखे जाते, वो औरत सामने बैठती है, तुझे गुलाम हैदर के सामने कोई महिला कमेंट पढ़ने के लिए बैठी, इतनी जलन हुई तूने लाइव में दारू पी के बक दिया। तो सोच, तू उसके चार बच्चों को उठा के इस आवारा के साथ, नशेड़ी के साथ बैठ के अश्लील हरकतें कर रही, तो बेचारे को दिक्कत नहीं हुई? जो तेरा पति है, तेरा भाई कहता ना कि उसकी पत्नी है ये, सॉरी मैं तो बताना भूल गई। इसका कहना है कि मैं मीना बन गई, मैं ठकुराइन बन गई, मैं भारती बन गई, लप्पू, सॉरी इसका जो पतिदेव बोलती है, इनलीगल पतिदेव, मेरे पतिदेव हिंदुस्तानी है, मेरे इनके पापा हिंदुस्तानी है, इनके बाबा हिंदुस्तानी है, सनातनी है, और सब सनातनी, मैं सनातनी बन गई। गाय खाने वाला कभी सनातनी नहीं बना है। तेरे बेटे का खतना हुआ है, वो मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, तो वो कभी भी सनातनी नहीं बन सकता है, जानती है ना, वो नाबालिग है। और जो पास्को एक्ट है, पास्को एक्ट के तहत जमानत नहीं होती दोस्तों, बता दूं आपको, क्योंकि कानून थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं, कानूनी परिवार से हमें पता है, जहां पास्को एक्ट लग जाता है वहां पे जमानत खारिज। अगर ये जमानत के लिए कोशिश भी करेंगे ना, जैसे झूठी बेल के लिए इन्हें जमानत करी थी, तो ये इनकी जमानत खारिज, इनको कोई जमानत नहीं मिलने वाली। चारों तरफ से इस तरीके से कहते ना, शिकंजे में फंस चुके हैं। एक सिरा ओ होता ना, एक कोना तो छूट जाता है, इंसान नाग कर फाँद कर या कूद कर कैसे निकल ले, अभी चारों तरफ से जाल में फंस चुके हैं। और लप्पू और भगोड़ी ने अपनी असली हरकतों से साबित कर दिया कि इनको कितना असर पड़ा भैया गुलाम हैदर के आने से। और हमें तो बड़ी खुशी है, गुलाम हैदर भाई वेलकम है, आपका भारत आइए, और आपका भारत में बहुत अच्छे से स्वागत होगा। और जैसे ही आप भारत की धरती पे पैर रखेंगे, मोमिन मलिक सर ने प्रॉमिस किया है कि गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे। जैसे ही गुलाम हैदर भारत की धरती पे आएगा, उसको बच्चे मिल जाएंगे। इसका कहना है कि भैया कुछ हिंदुस्तानी मेरा विरोध करते हैं, तो हिंदुस्तानी बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तानी कभी भी तेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा विरोध ही करेंगे, क्योंकि तूने जो काम किया है किसी ने भारत में नहीं किया। तूने इनलीगल एक घुसपैठी को घुसाया, तू कहता है ना सीमा ठकुराइन बन गई, दे दे सबूत, नागरिकता दे दे, हम मान लेंगे, दे दे सनातन का सर्टिफिकेट, फर्जी नहीं, सबूत दे दे, लीगल आई है और इसने तुझसे शादी की है। तू तो ऐसे ही फंस रहा, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के पास तेरे पास एक ही बात है, सीमा सनातनी है, सीमा हिंदू है, जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम कराने तू आया है ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम सनातनी, हम भारतीय, अपने देश के प्रति वफादारी रखने वाले, तूने जो कारनामे किए हैं, तुझे ना तो कानून बख्शेगा ना कोई देश की सरकार बख्शेगी, जो तूने कानून तोड़े। रही बात तेरे एपी सिंह भाई की, जो कहते सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, भैया ABCD भी इस बंदे को नहीं आती, ये अपना मतलब सनातन 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 की आड़ पर जो यहाँ पे कर रहा है कांड, उसका खुलासा हो चुका है, क्योंकि पूरा भारत विरोध करता है इस भगोड़ी इनलीगल महिला का। जो लप्पू कहता है कहाँ गया था गुलाम हैदर, बीबी मेरी बीबी है, मेरी बीबी, अरे बेटा तेरे इतने चपाट बजेंगे ना तेरे कनपट्टी पे, यहाँ पे तेरे खुद तू घूम जाएगा, जो नशे में तू बोल रहा है ना, अपने होशो हवास में रहना सीख ले, क्योंकि जेल में तुझे दिन काटने हैं लंबे, अभी से तेरी ये हालत हो गई है, तो सोच जेल में अकेले अकेले कैसे काटेगा। लोग कहते सीमा ने ये कर दिया, लप्पू ने ये कर दिया, आपस में लड़ गए, हम तो लड़ते ही नहीं, कि हमें पता नहीं, हमें तो अंदर की बात पता है, रोज पिटती है दारू के नशे में, जब ये वीडियो कॉल पे या किसी से चैटिंग करती हुई पकड़ी जाती है ना, जब तेरा नशा उतरता है तो फिर तो कुटाई लगाता उसकी ढंग की, हमें तेरे अंदर तक के राज पता, बेटा क्या कर लेगा।
रही बात मोबिन मलिक सर को टारगेट करने की, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हम मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं। तेरी धुलाई तो हम अच्छे से लगाएंगे, तेरी बैंड हम बजाते रहेंगे, क्योंकि तेरा फ्रस्ट्रेशन जिस तरीके से तू ऑन सोशल मीडिया पे हरकत कर रहा था ना पागलों की जैसी, उससे हम समझ गए भैया तेरा अंदर का जो था ना डर वो बाहर आ गया, तूने नशा करा और तू भौंकने लग गया। तो हमारा पूरा यूट्यूब परिवार इस चीज़ को समझ गया और हम तेरी धुलाई और तेरी ठुकाई बड़े मजे से करेंगे। हम भारतीय हैं, तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम किसी के बच्चों की माँ को भगाला, किसी की बीबी को भगाला, किसी का घर बेचा, तुझे यहाँ शरण देने देंगे ये सपने में भी मत सोचना। आ गया तेरा अंत बहुत जल्दी, क्योंकि ये कानूनी शिकंजा है। तेरे भाषणबाजी बयानबाजी सोशल मीडिया पे नहीं चलेंगे। तू कहता ना मेरे नाम से कमा रहे, सोच अपने दिमाग के पुर्जे खोल, तू किसके नाम से कमा रहा भैया? 6-7 हज़ार की नौकरी कर रहा था, नशा पीने के लिए नहीं होता था तेरे पास? तू 4 बच्चों की माँ को भगा लाया, साथ में गुलाम हैदर की प्रॉपर्टी बेच के आया। दोस्तों गुलाम हैदर की जो पत्नी है इसने खुद एक, मैं इसका शॉर्ट वीडियो देख रही थी जिसमें इसने बोला है कि मैंने जो करेंसी है पाकिस्तान की करेंसी भारत में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसने अपने दिमाग का खेल खेल के इतना साजिश रचा कि ये नेपाल आई लीगल तरीके से, वहां से इसने करेंसी चेंज कराई भारत की, इसमें क्योंकि इसको अच्छी तरीके से पता था नेपाल और भारत के संबंध अच्छे, वहाँ की करेंसी आराम से ट्रांसफर हो जाती है। इतना क्रिमिनल माइंड इस औरत का, इतना शातिर दिमाग गेम ये खेलती है, तो इसको कैसे पता? इतना लंबा एक दिन में कोई व्यक्ति ऐसा तय नहीं कर सकता ना। इसने जो इंडियन करेंसी, जो पाकिस्तानी करेंसी थी उसको हिंदुस्तान नेपाल में आके इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराया लप्पू के यहाँ, और उसके बाद लप्पू का पूरा भरना भरा उनका मुंह बंद करने के लिए, अपने मिशन को अंजाम देने ये भारत में घुसकर आ गई। इसको पता नहीं था यहाँ मोबिन मलिक जैसे वकील भी बैठे हैं जो इसका पर्दाफाश करके इसको यहाँ पूरी तरीके से ओपन करने वाले हैं। अब बेचारी फंस चुकी है, साथ में लपुआ भी, पैर भी ना करे तो क्या करेगा बेचारा? गालियां ही देगा ना, बेटा तू गाली देते रहो हम तुझे धोते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, हमें तो बहुत खुशी हो रही क्योंकि गुलाम हैदर आ रहा है, उसके बच्चे से मिलेंगे और सारे इंडियन खुश हैं। सबको पता है इसने हमारे समाज में जो गंदगी फैला रखी है, बहुत जल्दी कोर्ट का चक्कर काटते काटते इसका सब कुछ खत्म होने वाला है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज को अपने वीडियो के माध्यम से मुझसे सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।